दोस्तों, कैसे आप लोग। शेफ गुलाम किचन में आपका स्वागत है। मैं गुलाम रसूल आज फिर आया हूँ नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुशा बिन लबन किस तरीके से बनाते हैं। एक अरबी फूड है जो लेबनीस स्टाइल में हम लोग बनाएंगे इसे, और इसका पूरा नाम है कुशा बिन लबन। कुशा का मतलब होता है जुगनी। जुगनी को स्टफिंग करके हम लोग उसमें स्टफिंग करेंगे उसके अंदर, और उसका योगर्ट का सॉस बनाएंगे, दही का सॉस बनाएंगे। इसका ही पूरा नाम है अरबी में कुशा बिन लबन। तो इस वीडियो का पूरा अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए लेके चलते हम लोग अपने किचन में, देखते हैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इसमें हम लोग ग्रीन जुगनी ले लेंगे, जो इसे हम लोग कुशा कहते हैं अरबी में। अब उसे हमें पानी में अच्छे से क्लीन कर लेना है। लेने के बाद ये हमारा 10 पीस रहेगा, 10 पीस की रेसिपी आपको बता देंगे। साथ में हम लेंगे यहाँ पर 250 ग्राम इजिप्शियन राइस, उसे भी हमें अच्छे से क्लीन कर दें, वाटर में भिगो के रख देना आधे घंटे कम से। साथ में हमारा रहेगा कीमा, 200 ग्राम मटन का कीमा हमें यूज़ करना है दूसरा बिन लबन बनाने के लिए, इसे कीमा करके रख देते हैं। साथ में हमें चाहिए बटर या घी 50 ग्राम, जिससे इसका सॉफ्टनेस अच्छा होता है, इसलिए हमें चाहे आप बटर का यूज़ कर सकते हैं या घी का, मैं यहाँ घी का इस्तेमाल करता हूँ। अब साथ में हमें 2 पीस फाइन चॉप करके ओनियन हमें ले लेना है, एकदम फाइन चॉप रहना चाहिए, जो ज़्यादा मुँह में लगे ना, इस तरीके से फाइन चॉप कर लेना। साथ में हमें योगर्ट सॉस बनाने के लिए 1 kg योगर्ट हमें ले लेना है, जिसका हमें सॉस बनाना होगा कुशा बिन लबन के लिए, इसलिए हम यहाँ पर 1 kg ले। साथ में हमारा 2 स्पून हमारा कॉर्नफ्लावर रहेगा जो हमें, साथ में हमारा कुछ सॉल्ट रहेगा टेस्ट के अनुसार, और ब्लैक पेपर जो रहेगा वो 1 से 2 स्पून लास्ट रहेगा, 1 स्पून हमारा एनफ होता है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 स्पून हमारा रहेगा यहाँ पे 7 स्पाइसेस, ये देखिए हमारे 7 स्पाइसेस है, इसे भी हम ले लेते हैं, और ये बस यही मसाला का यूज़ करते हैं। अब मैं साथ में हमारा 1 पोटैटो रहेगा, उसे स्लाइस कट कर लेते हैं, इसे हमें हंडी के अंदर रखना चाहिए, उसे जब बैठाएंगे तो चलेगा, इसलिए हम इसमें लेते हैं, बाकी कोई काम नहीं। साथ में हमारा गार्लिक चॉप रहेगा, और साथ में पार्सली चॉप रहेगा, ये गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, गार्निशिंग के लिए हम इसे ले लेते हैं, ठीक है ना। फाइन चॉप करके आप ले लीजिए, अगर गार्निशिंग नहीं पसंद है तो मैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुशा हम लोग किस तरीके से क्या करते हैं, कुशा की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इसका मैं कहता हूँ। सबसे पहले कुशा कट कर लेते हैं, और उसे अच्छे से बीच में जहाँ पर हमें स्टफिंग करना है उस जगह को क्लीन कर लेते हैं, वहाँ से जितना है सामान कुशा के अंदर जो रहता है उसे निकाल लेते हैं, उसे क्लीन कर लेते हैं। इसी तरह हमें जितना 10 हमारा है 10 को हमें क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। जब भी हमारा 10 क्लीन हो जाए तब एक पॉट ले लेते हैं, उसमें मटन ऐड कर लेते हैं, ये स्टफिंग बना लेते हैं। उसमें राइस जो हमने राइस ऐड कर लेने के बाद हमें इसमें सॉल्ट ऐड कर लेना है टेस्ट के अनुसार, और 1 स्पून 7 स्पाइसेस हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद चॉप ओनियन जो हमने लिया था उसे ऐड कर लेते हैं, अब उसके साथ घी हमने जो लिया था उस घी को भी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा रेडी हो जाएगा जो हम स्टफिंग करेंगे इसको, ये स्टफिंग रेडी हो गया। अब जो कुशा हमने लिया था उसके अंदर स्टफिंग करना है, याद रखिए ज़्यादा इसे भरना नहीं है, थोड़ा खाली ही कैप रखना है, और ज़्यादा फुल भी इसे भरना नहीं है, नहीं तो ये पकने के बाद फट जाएगा। अब हमारा देखिए सारा स्टफिंग हो गया है, अब इसे हम किस तरीके से बॉयल करते हैं वो आपको दिखा देंगे। सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक हंडी ले लेते हैं, उसमें हमें ऐड कर लेना है नीचे हमारा जो पोटैटोज था हमने कट करके रखा था उसे ऐड कर लेते हैं, बाद में कुशा भी ऐड कर लेते हैं। अब उसमें पानी ऐड करना है हमें थोड़ा, जितना बॉईल होने था उसके बाद उसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, बाद में एक कवर यूज़ करेंगे इसके ऊपर प्रेस करने के लिए, और एक प्लेट यूज़ करने के बाद फ्लेम को ऑन कर देते हैं। अब इसे बॉयल होने देते हैं 1 घंटे के लिए। जब तक हमारा बॉयल हो रहा है हम सॉस का मेथड देख लेते हैं, सॉस किस तरीके से बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक हंडी ले लेना है, उसके अंदर हमें अभी चूल्हे को फ्लेम को ऑन नहीं करना है, फ्लेम क्लोज करके योगर्ट ऐड करने के बाद हमारा कॉर्नफ्लावर 2 स्पून ऐड कर लेना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, एक भी दाना नहीं रह जाए, इस तरीके से हमें अच्छे से एकदम मिक्स करना है इसे। अब उसमें वाटर ऐड करने के बाद और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब मिक्स हो जाए तब हमें अब फ्लेम को हमें ऑन कर लेना है, मीडियम फ्लेम हमें चलाना है, ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है, और इसे तब तक हमें हिलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। आप उससे पहले अगर छोड़िएगा तो आपका दही फट जाएगा, इसीलिए इसे छोड़ना नहीं, इसे रेगुलर चलाते ही रहना। देखिए हमारा उबाल आ गया, हो गया, अब हमने इसे सॉल्ट ऐड कर लेना है और ब्लैक पेपर ऐड कर लेना है बस, और कुछ भी हमें इसमें ऐड नहीं करना, हमारा ये रेडी हो गया सॉस। अब देखिए हमारा 1 घंटे भी हो गया है और हमारा कुशा भी रेडी हो गया है। अब दोनों रेडी होने के बाद हमने जो कुशा बॉईल किया उसे सॉस के अंदर सबको एडजस्ट कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं अच्छे से,
और उसके साथ उसका सॉस जो है हमारा वो भी ले लेते हैं। अब ये गार्निशिंग आपको बताया था हमने गार्निशिंग करने के लिए, अब देखिए यहाँ हमने गार्निशिंग बैठा दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।